नगर निगम के मेयर, पूर्व मेयर, टैक्स कलेक्टर और एक वार्ड पार्षद पर शहर के नवादा थाना में जाति सूचक और अभद्र बात कहने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। निगम की वार्ड संख्या 45 की पार्षद रेणु देवी ने चारों पर जाति सूचक बात कहने का आरोप लगाया है। मामला जून महीने में हुए नगर निगम बोर्ड की बैठक से जुड़ा है, जहां बैठक के दौरान वार्ड संख्या 45 की पार्षद रेणु देवी ने मेयर प्रियम पर उनके वार्ड से जुड़ी योजनाओं को साजिश के तहत दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए जाने का आरोप लगाया गया। इस बात को लेकर बोर्ड की बाइट में जमकर हंगामा हुआ। बात वहीं से शुरू हुई थी, जिसके बाद पार्षद ने मेयर सहित चार लोगों के खिलाफ खुद को असुरक्षित बताते हुए नवादा थाना में केस दर्ज कराया था। वहीं केस के अनुसंधान को लेकर आरा सदर SDPO पंकज कुमार शुक्रवार दोपहर आरा नगर निगम पहुंचे और बोर्ड की बैठक के दौरान मौजूद कई पार्षदों से जानकारी इकट्ठा की। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मीडिया के सवाल पर सदर SDPO ने केस के अनुसंधान के बाबत नगर निगम पहुंचने से इनकार करते हुए नगर आयुक्त से मुलाकात करने की बात कही है। किसने ऐसा केस लिया है? विधवा है आप? कहिए, अरे कैंसिल करा